कॉन्फिडेंट लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, और रिस्क में आपको बताऊं, रिस्क लेंगे ना, रिस्क में रिस्क है। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने बहुत कह लो कि यानी कि सीमिंगली अच्छी जॉब कर रहा था मोबलिंग में, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे लेफ्ट राइट लोग जो है ना वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। कुछ मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना है लाइफ में, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता था यार अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा ना तो मैं आगे आज से दो तीन साल बाद जाके भी मैंने यही डिसीजन लेनी कि यहाँ से निकलो, तो वाई नॉट अभी निकल। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम विजिटर्स से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की अप्रिसिएशन से और आप लोगों के तावन से कह लें ये आगे दूसरे लोगों तक पहुँचती हैं, तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूँ, तो ये नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप मैंशन करें। ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएं और जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें और आपको पता चल जाए। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं जब वहाँ से मैंने वो जॉब छोड़ी, मेरे भाई ने मुझे लिटरली, वो मुझे याद है, रात को तकरीबन कोई 8:30 बजे का टाइम था, अंधेरा था, मैं घर के बाहर, क्योंकि जिस किस्म की वो बातें कर रहा था ना कि जब उसे पता चला कि यार मैंने जॉब छोड़ दी है, तो मैंने कहा ये जो गालियाँ सुननी है ना ज़रा तन्हाई में जाके सुने, ये सबके सामने जो है ना इस तरह का नहीं होना चाहिए। लिटरली उसने मुझे 1.5 घंटे तक जलील किया। उसने कहा यार तुझे क्या हो गया, अभी तेरी शादी हुई, बच्ची तेरी पैदा हुई है, ठीक है, और शादी भी मेरी पसंद की थी, तो मुझे घर वालों की तरफ से टके की सपोर्ट नहीं थी, तो मुझे पता था जो मैंने करना है ना वो मैंने खुद ही करना है, ठीक है, और मुझे ये समझा दिया गया था कि यार अगर कोई मस्ती हुई ना तो यू आर ऑन योर ओन। तो पर इस किस्म का यानी कि वो सारा सिचुएशन हुई, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, मेरी लाइफ में अगर मैंने कुछ डिफरेंट चाहता हूँ ना तो मैं निकलता हूँ मैं, और अल्लाह ताला पे मैं भरोसा रखते हुए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी जो पहुँचा था ना मोबलिंक में, इवन दैट वाज नॉट डेस्टिन्ड टू बी, ना मेरे पास कोई पढ़ाई थी, बड़े ही ऑर्डिनरी किस्म का मेरा कह लो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, ना मेरे पास कोई रेफरेंस था, लेकिन एक लगन थी, एक चाहत थी, एक मेरा ख्वाब था कि मैंने मोबलिंक में जाना है, और मैंने वो ख्वाब कह लो कि अल्लाह ताला की मदद के साथ वो चीज़ को मैंने पूरा किया, ठीक है। तो इस यकीन था ना मुझे कि पहले भी तो हुआ है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है आपका, अगर मैं वही नॉर्मल रूटीन से अपने मामलात चलाता रहता तो शायद कह लो कि वहीं पे मैं बैठा होता, लेकिन मैंने रिस्क लिया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रिस्क लें, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और थोड़ा सा मैं कहता हूँ ऊपर वाले पे भी तो भरोसा करें ना यार। हम बातें बड़ी करते हैं कि यार वो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है, हमें ये करता है, हमें वो करता है, हमारा बड़ा ख्याल करता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस पर यकीन करने का टाइम आता है, वहाँ पर हम कहते हैं यार पता नहीं मैं अगर ये जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा, सारे मामलात सामने आना शुरू हो जाते हैं, और वो खुदा जिसको हम पता नहीं बातों में इतना बड़ा कर रहे होते हैं उस पर यकीन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए रिस्क जरूर, चाहे ना कुछ भी कर सकता है इंसान ही है ना, वो जिन्होंने पता नहीं यहाँ से निकले और माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, ठीक है, और वही इंसान है जो यानी मिसालें बनी हुई हैं और एक कितने ऑर्डिनरी किस्म के इंसान है, उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया। इदी साहब की एग्जांपल ले लो, माड़ा सा बंदा, ठीक है, कुछ नहीं करने का, यानी कि वैसे अगर हम देखें ना यहाँ पे उनकी अपीयरेंस का बंदा, तो हम कहेंगे यार इससे क्या होना है, ये किस काबिल है, लेकिन वही माड़ा सा बंदा अगर कोई कमिटमेंट ठान ले ना अपने अंदर कि यार नहीं मैंने लाइफ एक सर्विस के लिए गुजारनी है, मैंने लोगों की लाइफ में चेंज के लिए गुजारनी है, तो वो एक ऐसी मिसाल बन जाता है जिसे दुनिया फॉलो करती है, मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि यार मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ या मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे क्या हदफ है, और फिर मैं आप उस चीज़ को परसू करो। बाज़ों का क्लैरिटी नहीं होती, हम ऐसे ही भेड़ चाल के तहत जो है ना वो चलते रहते हैं, लाइफ गुजारते रहते हैं कि यार शायद वो उस बंदे को पसंद है ये काम, या ये ट्रेंड बना हुआ है उसकी वजह से हम ये कर लेते हैं, ठीक है। क्लैरिटी रखें माइंड में कि यार मैंने क्या करना है लाइफ में, और फिर उस चीज़ को परसू करेंगे ना, जितनी क्लियर चीज़ होगी उसकी तरफ आप उतनी आसानी से चले जाएंगे, रास्ते खुद ही वो बनते जाएंगे। चीज़ क्लियर नहीं होगी, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए कह लो कि वो चीज़ नहीं होगी जो आपके दिल के करीब है, ठीक है, लाइक समथिंग दैट इज़ योर पैशन,
तो वो पैशन की तरफ आप जाएंगे ना, तो फिर आपको पता होगा यार ये चीज़ मुझे पसंद है, और वो वापस आती रहती है वक्त के साथ साथ, वो आपकी जान नहीं छोड़ती। तो इसलिए क्लैरिटी जो है ना वो ज़रूर रखनी है आपने। नॉलेज इज़ द की। अब आप लोग यहाँ पर जो आए हैं ना, तो आपको यहाँ पर के और ऐसे सेमिनार्स में और ऐसी बुक्स में और बाकी कितनी यानी कि चीज़ों में, वीडियोज़ में, हर तरफ नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है, नॉलेज बिक रहा है। और वो जितना आप अपने आप को ज़्यादा नॉलेज से भरेंगे, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि नॉलेज भी दो तरह का है, एक नॉलेज है एंटरटेनमेंट वाला नॉलेज भी है जो कि बड़ा कह लो कि आम बिक रहा है, लेकिन आप उस नॉलेज से आपको कोई बड़ा कह लो कि लाइफ में मदद नहीं मिल रही। लेकिन राइट काइंड ऑफ नॉलेज, बुक्स आप पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, ठीक है, ऑडियो बुक्स हैं वो देखें, वीडियोस देखें, लोगों से इंटरेक्ट करें, ठीक है, ये लोग हैं जो आपको बिल्ड करेंगे, राइट काइंड ऑफ नॉलेज। और ये अवेलेबल है आजकल की दुनिया में, तो हम यानी कि उस टाइम पर रह रहे हैं कि जहाँ पर इतना आसान है ना ये चीज़ों को हासिल करना, इनको हासिल करना मुश्किल ही कोई नहीं है, लेकिन ये है कि बस हम चाहें तो फिर ही जा सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं आपको बता रहा हूँ, यही किताबें, यही अल्फाज, यही चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं, ठीक है, लाइफ चेंज कर देती हैं। सक्सेस ये है कि बाज़ूकात हमें, मैंने वही पहले भी बताया आपको कि हमारे माइंड में सक्सेस क्लियर ही नहीं होता, हम समझते हैं यार पैसा मिल जाएगा ना तो दैट इज़ सक्सेस फॉर अस, ठीक है, जबकि पैसा मिल भी जाए ना, वो पोजीशन मिल भी जाए ना, वो थोड़ी देर के लिए तो सक्सेस होता है, लेकिन वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती, फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। लाइफ में इंसान जो है ना वो सोच ये रहा होता है, जब चीज़ नहीं होती ना तो वो उस वक्त लग ये रहा होता है यार मुझे ये चीज़ मिल जाएगी ना, पैसा मिल जाएगा ना, ये वो गाड़ी मिल जाएगी, वो मोबाइल मिल जाएगा ना, तो मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन उस चीज़ में खुशी नहीं है, ठीक है। खुशी है कि आप वो काम करें जिसमें आपका दिल इत्मीनान महसूस करे। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता चाहूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर बनाऊँ, तो उसको ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।